हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? यहाँ पे मैं वीडियो देख रही थी और ये पिछले साल का वीडियो है, पिछले मतलब 2020 का है। और ये वीडियो जो है वो अगस्त सितंबर का होगा। उसमें बाबू जो है वो ठीक से चलना शुरू नहीं किया था, बट इसके चलने का बहुत ज़्यादा मन करता था। तो वाकर से उतर जाता था और वाकर पकड़ के चलता था, या तो फिर एक हाथ पकड़े रहता था और चलने के लिए कहता था कि चला। ये तो वही वीडियो हम लोग देख रहे थे। कैसा टाइम बीत जाता है ना, पता नहीं चलता है। और तब तो था कि थोड़ा थोड़ा हम लोग जैसे मार्केट वगैरह भी कभी कभी जाने लगे थे। और लेकिन इस टाइम पे जो है सिचुएशन बहुत अलग है और बहुत ख़राब सिचुएशन है अभी। मतलब पूरा दुनिया का, इंडिया का खास करके बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप लोग घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और अब तो खैर दौड़ता है, तो वही देख रही थी मैं वीडियो की कैसे बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। ये वॉकर में लाई थी, इसका दूसरा वॉकर है। पहला वॉकर तो इतना ख़राब था, मुझे लगा कि उस टाइम यही मिल रहा था तो खरीद ली थी। उस टाइम भी लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन वो वॉकर बहुत ज़्यादा ख़राब था, ब्लू कलर का था। ये वॉकर बहुत अच्छा है, तो अभी ये घूम रहा है, घूम नहीं रहा, घुमा रहा है, और ऐसे ही हाथ पकड़ पकड़ के ले जाता है। इसका जो काम है, सारा काम जो है वो ऐसे ही हाथ पकड़वा पकड़वा के करता है। एक आदमी का ड्यूटी लगा रहता है कि इसे हाथ पकड़ के घुमाना ही। और ये वाकर भी देखिए, यहाँ से फट गया था पीछे से, बट अभी हमको इस वाकर का ज़रूरत नहीं था क्योंकि मेरा बच्चा चलने लगा था और हाथ पकड़ के इधर उधर ले जाता था। कॉन्फिडेंस नहीं था एक्चुअली इसको चलने में। मतलब पहला जब इसको चलाने शुरू किए थे तो जब चलता था तब रोता था, जब चलता था जब इसे खड़ा जब बिना हाथ पकड़े खड़ा कर देते थे तो वहीं पे खड़ा होकर के रोता था, इतना डर था। हालांकि चलना तो शुरू कर दिया था, लेकिन वही कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस नहीं था। अरे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका हाथ मैं पकड़ी हुई हूँ। तो यही सारा वीडियो देख रही थी मैं और मज़ा आ रहा था। अपने ही पुराने बच्चों का वीडियो देखिए तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और बच्चों में एक्चुअली चेंज बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैं सूजी जो है उसको हल्का सा रोस्ट करके रख लेती हूँ। बाबू को जब सूजी का हलवा देना रहता है या खीर देना रहता है, तो इस तरीके से सूजी रोस्ट करके, मतलब बिना तेल का, थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन रोस्ट करके रखने से क्या होता है कि थोड़ा सा इसका लाइफ जो है वो बढ़ जाता है। आप फ्रिज में रख दीजिए सूजी तो भी वो ख़राब नहीं रहता है, और ये रोस्ट करके भी बाहर रखिए तो थोड़ा सा लाइफ बढ़ जाता है। ऐसा सूजी जो है वो बहुत जल्दी, सूजी में कीड़े लग जाते हैं। और ये मैं आलू उबाली हूँ, आज जो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ वो है आलू पूड़ी। बहुत दिनों बाद आलू पूड़ी बना रही हूँ। एक बार और मैं पूड़ी बनाई थी, पालक पूड़ी बनाई थी, लेकिन अभी कुछ दिन, मतलब बहुत दिनों नहीं, कुछ दिन, लगभग 10 दिन पहले, उस दिन भी सबको पूरी खाने का मन था। एक्चुअली घर में सब रहते हैं ना, तो तरह तरह का डिमांड जो है वो बढ़ते जाता है। और काम तो अभी कुछ है नहीं, हस्बैंड का भी बंद ही है और बेटे का ऑनलाइन है, तो घर में ही रहना है। तो घर में रहते हैं तो तरह तरह से चीज़ें जो है वो मन करता है खाने पीने का। और यहाँ पे बस मैं जीरा और तेज पत्ता, लौंग और इलायची का तड़का लगाई हूँ। बहुत सिंपल मैं आलू बनाने वाली हूँ जो कि बहुत टेस्टी लगता है। और इससे पहले मैं इसमें, इस कढ़ाई में वो प्याज टमाटर वाले मसाले मैं तैयार करके फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि टमाटर बहुत सारा ले आए थे और टमाटर पे चर्व करके रखने का मुझे सही वही लगा था। तो मसाला तैयार करके और मैं इसको उसको फ्रीजर में रख दी थी। और यहाँ पे मैं टमाटर, सिर्फ टमाटर में मैं थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी लाल मिर्च जो है वो मैं डाल करके और इसको ग्राइंड कर लूँगा। और उसके बाद फिर टमाटर को फटाफट फ्राई कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा इसको अच्छा से जल्दी पक जाता है और अच्छा से फ्राई करेंगे, ताकि जब तक इसमें
तेल नहीं छोड़ने लगे तब तक फ्राई करेंगे, तो टमाटर का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा और टेस्ट जो है वो बहुत बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे मैं बस हल्दी और धनिया पाउडर डाली हूँ और इसके बाद फिर इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये सब्जी बहुत टेस्टी बनता है, आलू पूड़ी के साथ तो ज़बरदस्त लगता है, पराठा के साथ भी अच्छा लगता है। तो देखिए टमाटर जो है वो धीरे धीरे हमारा जो है वो सारा टमाटर का पानी जो है सूख रहा है और फ्राई हो रहा है, तो मसाला जो है हमारा एकदम तैयार हो गया और ये सब्जी बहुत सिंपल बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मसाला हमारा टमाटर का तैयार हो गया है और इसमें मैं हल्का सा नमक भी मैं डाली थी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से और जल्दी से थोड़ा सा फ्राई हो जाए, जल्दी थोड़ा टाइम कम ले। तो बस हमारा जो है वो मसाला तैयार हो गया है और पीछे से कार्तिक जो है वो कब बनेगा कब बनेगा कब बनेगा का रट लगाए हुए हैं। तो आलू देखिए हम कुछ आलू को ऐसे ही टुकड़े में कर लिए हैं, मतलब और कुछ को मतलब इसमें ऐसे ही आलू पड़ते हैं रफली चॉप जो होता है कि आप हाथ से तोड़ के डाल दीजिए तो अच्छा टेस्ट आता है इसका। और थोड़ा सा आलू को भी थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छे से जो है वो ये टमाटर आलू सारा जो है वो मिक्सअप हो जाए। और इसमें फिर से हम थोड़ा सा नमक डाले हैं क्योंकि थोड़ा सा नमक मैं डाली थी प्या ये टमाटर में, थोड़ा सा ही नमक डाली थी मैं, तो यहाँ पे मैं बस नमक डाल दी हूँ और थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं 2-4 मिनट के लिए। और इतना टेस्टी सब्जी बनता है ना, बहुत टेस्टी बनता है ये, आप किसी भी बर्थडे पार्टी के लिए एक और सब्जी बना सकते हैं, मतलब ये इतना टेस्टी बनता है ये। तो हमारा ये तैयार हो गया है, अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। तो पानी आप अपने अनुसार डालिएगा क्योंकि आप जैसा ग्रेवी पसंद करते हैं वैसा। तो यहाँ पे मैं सारा जो है वो मिक्सी का धाकर मैं डाल दी हूँ और ताकि सारा जो है मसाले हमारे कढ़ाई में आ जाए, और थोड़ा थोड़ा जो बड़े आलू का टुकड़ा था ना तो उसे मैं थोड़ा सा और कट कर ली हूँ ताकि छोटे छोटे आलू के टुकड़े जो है वो आ जाए। और बस इसमें मैं पानी डाल दी हूँ और थोड़ी देर के लिए उबाल आने देंगे, और जब अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर हमारी सब्जी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो देखिए हमारी सब्जी जो है वो तैयार है और ये बहुत टेस्टी सब्जी होता है, बहुत टेस्टी बनता है सब्जी। और यहीं पे हम जो है वो पूरी का आटा लगा लेंगे। तो पूरी के आटा के लिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक, अजवाइन और थोड़े से रिफाइन जो है वो मैं डालूंगी। इससे क्या होता है कि नमक और अजवाइन से पूरी टेस्टी होता है, और रिफाइन डालिएगा ना आप कोई भी वो रिफाइन या घी जो भी आप पसंद करते हैं, तो इससे पूरी बहुत सॉफ्ट बनता है। और पूरी का आटा जब लगाते हैं ना तो थोड़ा सा पूरी का आटा हार्ड लगाते हैं, जिससे एकदम रोटी का जो है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है और पूरी का थोड़ा सा रोटी से थोड़ा हार्ड होता है आटा, तो इससे पूरी जो है ना हमारा बहुत परफेक्ट बनता है और बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी दे करके आटा सान ली हूँ और यहाँ पे देखिए आटा मेरा पूरी का लग गया, और ये बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब कड़ा भी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। और इससे क्या होता है ना, ऐसा बनाइएगा तो सारा पूड़ी जो है वो अच्छा खिला खिला बनेगा। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा, हाँ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में मैं अक्सर कंफ्यूज कर जाती हूँ, बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं, दूसरी बार बना रहे हैं, आपकी पूड़ियाँ नहीं फूट रही है तो सारा पूड़ी जो है वो फूलेगा, बट मैं नहीं डाली हूँ और मैं डालती भी नहीं हूँ क्योंकि मेरी आदत हो गई है इस तरीके से बनाने का। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पूड़ी का आटा जो है वो मैं बेल करके एक दो पूड़ी मैं दिखाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए ऐसे पूड़ी गोल गोल और बहुत परफेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे पूड़ी मेरी जो है वो
दूसरी पूरी भी मेरी। और इसी तरह से हम सारा पूरी, 5-6 पूरी बेल करके और रख लेंगे, क्योंकि जब कढ़ाई थोड़ा गर्म हो जाता है ना तो जल्दी जल्दी जो है वो पूरी निकालना पड़ता है। तो 5-6 पूरी अगर बेल के रखा हुआ रहता है तो फिर दूसरा तीसरा जो पूरी है वो निकल जाता है, और तब तक 1-2 पूरी और बेला जाता है। ऐसा तो दो लोग जब रहते हैं, एक पूरी बेलते हैं और दूसरा पूरी छानते हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाता है। बट अकेले हैं, अकेले जो लोग रहते हैं, अकेले जो बनाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा तो ये है कि पहले कुछ पूरी बेल के रख लेते हैं और फिर छान लेते हैं। तो देखिए हमारी जो है पूरी, इसमें मैं रिफाइंड बहुत कम डाली हूँ कढ़ाई में, क्योंकि मुझे ज़्यादा जो है वो पूरी नहीं बनानी है। 10 से 12 पूरी मैं बनाऊंगी। इसी मैं जो है कम ही रिफाइंड डाली है, और हमारी पहली पूरी जो है वो अच्छी नहीं बनी है, खुला हुआ नहीं है। और ये देखिए दूसरी पूरी जो है वो हमारी, ये फूल जाएगी और अच्छी बनेगी। तो इसी तरह हम सारी पूरियां जो है वो बना लेंगे। और देखिए कितनी अच्छी पूरी फूली है और कुरकुरा हुआ है, बहुत अच्छा। और पूरी क्या है ना कि गर्मा गर्म खाइए तो ज्यादा अच्छा लगता है पूरी। और नमक और अजवाइन वाली पूड़ियाँ तो और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं पर तक था। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, रखिए, सुरक्षित रहिए और इन्जॉय कीजिए।